2021 की एसआई भर्ती परीक्षा जिसका पेपर लीक हो गया था, इसको लेकर की एसओजी हर दिन से जांच करती है, नए से जांच करती है और कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यहाँ तक कि आरपीएससी के पूर्व मेंबर रामूराम रायका को भी हाल ही में एसओजी ने गिरफ्तार किया और रामूराम रायका लगातार गिरफ्तार होने के बाद एसओजी की रिमांड पर है, उनसे पूछताछ है वो जारी है। वहीं आपको बता दें, जब से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, ये गुत्थी उलझते ही जा रही है। इसमें नए नए रोज खुलासे हो रहे हैं। अभी आपको बता दें, एसओजी जो पूर्व मेंबर है इसके आरपीएससी के, बाबूलाल कटारा जो गिरफ्तार में है, अभी उनको प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है सेंट्रल जेल से और एसओजी इनको लेकर के आरपीएससी के हेड ऑफिस अजमेर पहुंची है। वहां पर बाबूलाल कटारा का चैम्बर जो कि सील पड़ा था, सील चैम्बर को उनके सामने ही खुलवा कर उनसे वहाँ पर पूछताछ की गई। उनके सामने कुछ दस्तावेज है, उनको खंगाला गया और कुछ सूत्रों के मुताबिक तो वहाँ पर आरपीएससी में मौजूद अफसर और बाबूलाल कटारा को आमने सामने बैठाकर पूरी पूछताछ है वो की गई है। वहीं आपको बता दें, एसओजी ने आरपीएससी के ऑफिस में रामूराम रायका और उसके बेटे देवेश और शोभा को भी वहाँ पर लेके गए हैं। उन तीनों को आमने सामने बिठाकर लगातार उनसे पूछताछ की है। रामूराम रायका ने एसओजी के सामने ये कबूल किया कि उनको एसआई भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो बाबूलाल कटारा ने ही दिया था। जब से रामूराम रायका को गिरफ्तार किया है, ट्रेनी एसआई उनके बेटे देवेश और शोभा को भी एसओजी ने रिमांड पर लिया हुआ है, उनसे भी पूछताछ है वो जारी थी। शुरुआत की पूछताछ में उन्होंने कुछ भी नहीं कबूला, ना कुछ उगला, क्योंकि उनको सख्त मना किया हुआ था रामूराम रायका का पहले से कि अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको क्या बोलना है। तो वो बहुत ही धीरे से एसओजी के सवालों का जवाब दे रहे थे। फिलहाल इसमें एक नया खुलासा यह भी हुआ है कि जोधपुर के एक स्कूल में जहाँ पर इस एसआई भर्ती परीक्षा का सेंटर था, वहाँ से बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि जो सेंटर में जो स्कूल का संचालक था उसके साथ एक मॉक ड्रिल हुई थी आरोपी कैंडिडेट की और 12 लाख की राशि में ये सौदा तय हुआ था पेपर सॉल्व करवाने को लेकर के। एसओजी की जो टीम है वो लगातार पूछताछ तो कर रही है और सोमवार को जो एसओजी की टीम की रिमांड पर चल रहे बीजेंद्र और ऋतु शर्मा झुंझुनू के चिड़ावा से उनको गिरफ्तार किया था और यहाँ पर अभी उनके साथ वार्ड 25 में एसओजी उनको लेकर के गई है और वहाँ पर बीजेंद्र और ऋतु शर्मा के घर जाकर के पूरी जांच करेगी, क्योंकि ऋतु शर्मा और बीजेंद्र जो कि आर्मी से रिटायर्ड है बीजेंद्र, वहाँ पर उनसे पूछताछ मिलेगी। उनको एक डायरी मिली है और पैसों का लेन देन जो है वो डायरी में सामने आया है। अभी दोनों ने कुछ भी लेन देन से संबंधित जानकारी देने से इनकार कर दिया है। और वहीं आपको बता दें, अब तक 42 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर सहित 70 लोगों को एसओजी है वो गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले में लगातार एसओजी जो है पूरी जांच पड़ताल कर रही है, पूरी भर्ती का खुलासा है वो करने पर लगी हुई है। और जो परीक्षा सेंटर जोधपुर से चौंकाने वाली जानकारी है वो सामने मिली है कि एक दिन पहले ही परीक्षा से 14 सितंबर 2021 परीक्षा केंद्र पर नकल करवाने को बाकायदा मॉक ड्रिल की गई थी। पूर्व सैनिक, उसकी पत्नी, महिला मित्र और अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में बैठने, पेपर सॉल्व करवाने और पर्ची आने तक की प्रैक्टिस है वो की गई है। ये बड़ा खुलासा निकल रहा है ऐसे ही भर्ती परीक्षा 2021 में। धन्यवाद।